सो जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे हो गए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन आपकी हो गई होगी। देखो यार, अभी ना ये सब सोचने का टाइम नहीं है। कल आपका पेपर है कि यार मेरा जीके कंप्लीट नहीं हुआ, मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहता है। बस मैं तुमसे इतना कहूंगा कि एफकेट एग्जाम का जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना बहुत मैटर करता है दोस्त। कॉन्फिडेंटली पेपर दे के आओ विथ फुल जोश, और बस जो 70-80% बच्चों को लेकर डूबता है, दैट इज योर नेगेटिव मार्किंग एफकेट के अंदर, आपको बस वही नहीं करनी है। आपने अगर उतने ही क्वेश्चन किए ऑनेस्टली जितने आपको आते हैं, आपके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा हाई होंगे। ये टाइम छोड़ दो, जीके हुआ कि नहीं हुआ, मैथ्स हुआ कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई। 100 क्वेश्चन आते हैं, 65 भी करके आओगे करेक्ट तो आपका 195 मार्क्स आ जाएंगे। 35 क्वेश्चन तो छोड़ने हैं। पेपर अटेम्प्ट करना, जो टफ है स्किप कर देना, टफ है स्किप कर देना, इजी वाले जो भी आपके मॉडरेट होंगे, जो भी क्वेश्चन आपको आते रहेंगे आप करते जाना। और एक प्रॉमिस है, अगर तुमने डेडिकेटली सारे मैराथन मैथ्स के, जीके के, रीजनिंग के ये सब फॉलो किया होगा, तुम्हें पेपर क्लियर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर आपने फिक्स जीके क्वेश्चन की सीरीज देखी होगी, शिवानी मैम की, स्ट्रेटजी की वीडियोस देखी होंगी, आप पेपर क्लियर करके आओगे। दूसरा पॉइंट ये, कोई भसड़ नहीं चाहिए, राइट। सेंटर पे टाइम से पहुंचना, एडमिट कार्ड में जो भी इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग योर फोटोज, रिगार्डिंग प्रिंट आउट, रिगार्डिंग कोविड, जो भी है उन सबको आपको थोरोली पढ़ना है, डेडिकेटली फॉलो करना है, टाइम से पहुंचना है। सेंटर के बाहर बहुत टाइम मिलेगा, सिस्टम पे जब बैठोगे तभी बहुत टाइम मिलेगा, फालतू की बातचीत नहीं। क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना तूने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, बिल्कुल भी डिसीजन नहीं। हंसी मजाक की बातें करना, जोक मार लेना यार एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन बट फालतू बकवास नहीं। ये सब आपके स्ट्रेस को ही बढ़ाते हैं। पेपर में आपको हर एक सेक्शन, मान लो कि अगर आपका कोई सेक्शन पेपर टफ आता है तो पेपर हर किसी के लिए टफ आएगा, और अगर इजी आएगा तो पेपर हर किसी के लिए इजी आएगा। कट ऑफ आपकी मतलब अपने आप नीचे चली जाती है जब भी आपका पेपर टफ होता है, जो भी होता है। वो सब अभी सोचने का टाइम नहीं है, आपको बस अपना कल बेस्ट देके आना है। क्या करके आना, बेस्ट देके। देखो हम काफी दिन से कंप्लीट डिफेंस में टीम, आपने मुझे मैराथन में देखा होगा, शिवानी मैम को देखा, हम सब जुड़े रहे। बस मैं अब ये चाहता हूँ कि वी हैव गिवन आवर बेस्ट, और आप सबका अब टाइम है अपना बेस्ट देने का। तुमने बाकी दिन क्या करा क्या नहीं करा, मैं तुमसे बस तुम्हारा एक दिन मांगता हूँ, और जिस दिन तुम्हारा एग्जाम है उस दिन चुपचाप बस सारा फोकस एग्जाम पे रखना अपने, क्योंकि यार अभी रिजल्ट का टाइम है, आपको परफॉर्म करने का टाइम है। अच्छी नींद लेना दोस्तों, बढ़िया से एकदम तैयारी करके जाओ फुल जोश के साथ, और अगर कॉन्फिडेंटली एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। दूसरी बात ये जो सबसे एंड बात मैं तुमसे बोलूंगा, कभी भूलना मत कि मैं तुम्हें क्या बोलते रहता हूँ, याद होगा तुम्हें, दैट हु आर वी, राइट। मैं हमेशा कहता हूँ हु आर वी, यस वी आर अचीवर्स एंड यू हैव टू प्रूव दैट यू आर ए अचीवर। इस बार डिफेंस मैनिया से आप सबका रिजल्ट एकदम पेपर फाड़ के आओ, एकदम सिस्टम फोड़ दो जाके उनका, ठीक है, बढ़िया पेपर दे के आओ मस्त एकदम। और मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जो टॉप रैंकर्स में होंगे इस बार एफकेट के, डेफिनेटली होंगे। तो जितना हुआ उतना ठीक, लाइफ में लाइफ इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी दोस्तों। बस ये सोचते रहना कि हारने का गम नहीं है, पास होंगे तो अच्छे से होंगे, फेल होंगे तो देखा जाएगा, हारने का गम नहीं है। बस सेल्फलेस ले अपने आप को, जो होता है ना कि सर्विस बिफोर सेल्फ, तो फल की चिंता ना किए हुए सेल्फलेस होके जाओ, पेपर मस्त दे के आओ, देखना रिजल्ट पॉजिटिव आने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो थैंक यू सो मच। बाकी तुम लोगों के साथ काफी दिनों से हम बने रहे हैं, मैराथन हुई, बहुत सारी चीजें हुई, मीटिंग्स हुई, और अभी दिमाग शांत रखो। तुम्हारा जो भी फीडबैक हो रिगार्डिंग एनीथिंग, आपका जो एक्सपीरियंस रहा यूट्यूब पे डेवेंस मैनिया के साथ कोर्सेस में, आप जरूर कमेंट में शेयर करो, मैं सबकी कमेंट पढ़ रहा हूँ एक करके। एंड मिलते हैं दोस्तों फिर से आप सबके लिए नए एफकैट बैच में। जय हिंद।